नमस्कार, रेडियो मणिनाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। पेटीएम ने लोन को लेकर उठाया कौन सा कदम, डेल्टा कॉर्प को किस मामले में मिली राहत, हिमाद्री केमिकल्स कहां करेगी 4800 करोड़ रुपए का निवेश, बताएंगे आपको, और इसके अलावा भी होंगी कॉरपोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉरपोरेट सेंट्रल। भारतीय रिजर्व बैंक की सख्ती के बाद अब पेटीएम ने कहा है कि वह 50,000 करोड़ से कम के लोन वितरण को कम करेगी तथा बड़ी रकम के पर्सनल और मर्चेंट लोन को बढ़ावा देगी। कुछ दिनों पहले ही आरबीआई ने बैंक और एनबीएफसी के लिए रिटेल लोन पर रिस्क वेटेज को बढ़ाया था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गोफर्स्ट के लेंडर इस हफ्ते ही इसके करीब 3,000 करोड़ के एसेट को बेचने के लिए वोटिंग करा सकते हैं। अगर यह बिक्री प्रक्रिया शुरू हुई तो कंपनी के कारोबार को फिर से रनवे पर लाने की कोशिशें विफल हो सकती हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ड्यूश बैंक और आईडीबीआई बैंक को एयरलाइन से करीब 6,521 करोड़ रुपए का बकाया वसूलना है। करीब 6,384 करोड़ रुपए के जीएसटी डिमांड के मामले में कैसीनो कंपनी डेल्टा कॉर्प की आर्म डेल्टा टेक गेमिंग लिमिटेड को कलकत्ता हाईकोर्ट से अंतरिम राहत मिली है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि टैक्स अथॉरिटी के शो कॉज नोटिस के आदेश को हाईकोर्ट की इजाजत के बिना लागू न किया जाए। अदानी समूह के शेयरों में जबरदस्त उछाल की वजह से गौतम अदानी के नेटवर्थ में शानदार इजाफा हो रहा है। वह दुनिया के टॉप 15 अरबपतियों में फिर से शामिल हो गए हैं। उनकी नेटवर्थ में एक ही दिन में 12.3 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है और वह करीब 82.50 अरब डॉलर हो गई है। वो इसी तरह अगर आगे बढ़ते रहे तो मुकेश अंबानी को पछाड़कर वो जल्द ही सबसे अमीर भारतीय बन सकते हैं। आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल ने मशहूर क्रिश्चियन लॉबटन ब्रांड को भारत लाने के लिए जॉइंट वेंचर का गठन किया है। क्रिश्चियन लॉबटन दुनिया की फेमस शू डिजाइनर है और अपने रेड सोल्स के लिए वो मशहूर है। दोनों कंपनियां मिलकर भारत में इस ब्रांड को बेचेंगी। हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल अगले 4 से 6 साल में लिथियम ऑयल बैटरी कंपोनेंट्स कारखाने के लिए करीब 4800 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। कंपनी ने इस कारखाने से लिथियम ऑयल बैटरी के लिए 2,00,000 टन लिथियम आयरन फॉस्फेट कैथोड एक्टिव मटेरियल का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। अदानी समूह की कंपनी अदानी ग्रीन एनर्जी में बुधवार को जबरदस्त उछाल आया है। बीएसई में कारोबार के दौरान कंपनी के शेयर करीब 19% की उछाल के साथ 1,605.65 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये करीब 16% की तेजी के साथ 1,565.10 रुपए पर बंद हुए। पिछले 3 दिन में इस शेयर में करीब 56% की बढ़त हुई है। अदानी समूह की एक और कंपनी अदानी टोटल गैस में भी कई दिन से तेजी देखी जा रही है। बुधवार को बीएसई में इंट्राडे ट्रेड के दौरान इसके शेयर करीब 20% की उछाल के साथ 1,053.80 रुपए तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में कंपनी के शेयर 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और ग्रुप के बारे में कई पॉजिटिव खबरों की वजह से अदानी समूह के शेयर चढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी एंजल वन के शेयरों में बुधवार को करीब 10% की तेजी देखी गई। बीएसई में कंपनी के शेयर 3,246 रुपए की रिकॉर्ड ऊंचाई तक पहुंच गए। कारोबार के अंत में ये 7.75% की तेजी के साथ 3,141.85 रुपए पर बंद हुए। एंजल वन का कारोबार बढ़ता जा रहा है। इसका क्लाइंट बेस नवंबर तक के एक साल में करीब 51% बढ़कर 1,84 करोड़ तक पहुंच चुका है। तो आज के कॉरपोरेट सेंट्रल में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मणिनाइन और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मणिनाइन ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूँ विदा। धन्यवाद।